हेलो साथियों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट नृत्यों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है? इनमें कौन सा गलत है तो याद रखेंगे, देखो राई नृत्य जो है वो बुंदेलखंड का है, ठीक है। शीला नृत्य जो है मिर्जापुर का है, कर्मा नृत्य ये भी मिर्जापुर का है, और छोलिया नृत्य जो है वो गोरखपुर का नहीं है, ठीक है। गोरखपुर का नहीं है छोलिया नृत्य, ठीक। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट में। बुंदेलखंड के कुम्हारों में प्रचलित नृत्य जिनमें स्त्री पात्रों की भूमिका भी पुरुष करते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा है? तो धुरिया समाज के जो लोग होते हैं वो इस नृत्य को करते हैं, और यह नृत्य कहाँ? बुंदेलखंड में किया जाता है, ठीक है। बुंदेलखंड का और भी कई एक नृत्य है, ठीक है। राई नृत्य भी बुंदेलखंड का ही है, ठीक है, कहाँ है? बुंदेलखंड का ही है, ठीक है। लेकिन इसमें ये जो कंडीशन दी गई है वो नहीं होती है, ठीक है। इसमें स्त्रियों की भूमिका नहीं निभाते हैं, ठीक है, स्त्रियों की भूमिका नहीं निभाते हैं पुरुष, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में देख कह रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य जिनमें नृतक कुश्ती लड़ने, कबड्डी खेलने और चिड़ियों जैसी चेष्टा करते हैं, ठीक है। तो ये नटबरी होता है। कौन सा? नटबरी नृत्य होता है, ठीक है। यहाँ पर एक जो झूमर नृत्य देख रहे हैं, ये जो झूमर नृत्य देख रहे हैं ये मांगलिक कार्यों पर किया जाता है। कब? मांगलिक कार्यों पर किया जाता है, ठीक, मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। और कौन करता है? महिलाएं करती हैं। कौन? महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है, महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। नटबरी नृत्य, नटबरी कहाँ का है? ये पूर्वांचल का है, ठीक है। नटबरी जो नृत्य है कहाँ का है? अगर ऐसे पूछा जाएगा तो पूर्वांचल का नृत्य है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ठीक। हाँ चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश में अवधी व भोजपुरी भाषा वाले क्षेत्रों में कौन सा लोकगीत गाया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो अवधी भाषा है और भोजपुरी भाषा में के जो क्षेत्र हैं उनमें लोकगीत कौन सा गाया जाता है, ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। वहां पर विरहा जो है गाया जाता है, विरहा गाया जाता है, ठीक है, विरहा वहां पर गीत गाया जाता है, ठीक है। ये अवध क्षेत्र का है, ठीक है, अवधी और भोजपुरी यहाँ बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में वीर रस से भरपूर प्रसिद्ध गायन शैली कौन सी है? तो वो आल्हा है, ठीक है। आल्हा जो है वीर रस से भरपूर है, ठीक है, आल्हा तो सुना ही होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लोकसभा हेतु निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो वो लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं, ठीक है, कितनी? 80 सीटें हैं, ठीक है, और ये 81 सीटें हैं, यहाँ पर ये सही कर लीजिएगा, 80 ना होके 81 सीटें हमारे उत्तर प्रदेश से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन हेतु किसी प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। विधानसभा के निर्वाचन के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करता है, ठीक है, तो 2 सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करता है विधान परिषद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं, तो वो 18 सदस्य स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य 2 वर्ष के पश्चात अपना स्थान रिक्त करते हैं, तो 1/3 जो होते हैं वो अपना स्थान रिक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बार लोकायुक्त के पद की व्यवस्था कब की गई थी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम बार जो लोकायुक्त पद की व्यवस्था थी वो 1975 में की गई थी, 1975 में की गई थी, ठीक है, लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त श्री विशंभर दयाल इस पद पर कब नियुक्त किया गया था, तो इनको 14 सितंबर 1977 को लोकायुक्त के पद पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद विधानमंडल का कौन सा सदन होता है,
तो विधान परिषद जो होता है वो विधानमंडल का उच्च सदन होता है, ठीक है, उच्च सदन होता है, यह स्थायी सदन भी इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 20,000 जनसंख्या होनी चाहिए, तो नगर पालिका का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किसी के उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन नगरों में महापालिका नहीं है, किन किन नगरों में महापालिका नहीं है, तो जौनपुर व सहारनपुर में महापालिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबंधन व विकास हेतु किस संस्था का गठन किया गया है, ठीक है, तो जिला परिषद का गठन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्यपाल के पद के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है, कौन सा अधिकार प्राप्त है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनको क्या है, विधान मंडल को आमंत्रित करने, विसर्जित करने व स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल सही बात है। विधानसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल भी कर सकता है भाई, कभी भी तोड़ सकता है, अध्यादेश भी जारी कर सकता है, ये भी सही बात है, ठीक है। तो उपरोक्त में से जितने भी अधिकार हैं ये सभी अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के कुछ विषयों पर अध्यादेश जारी करने के लिए राज्यपाल को किसकी स्वीकृति लेने की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो राष्ट्रपति की जो है अनुमति लेगा राज्यपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में धन विधेयक किसकी सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो जो पाल होता है इसकी सिफारिश के बिना नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श पर करता है, तो वो राज्यपाल के परामर्श पर ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू करता है, ठीक है, तो राज्यपाल की जो है अनुमति लेता है और फिर राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है उस राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, तो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन के दौरान संपूर्ण कार्यपालिका की शक्तियां किसके हाथ में आ जाती हैं, तो वो राज्यपाल के हाथ में आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री वराह गिरी वेंकट बरह मिहिर होगा यहाँ, बरह गिरी व्यंकट गिरी कब से कब तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे, तो वो रहे थे 10 जून 1957 से 30 जून 1960 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का 72वां जिला, 72वां नया जिला कौन सा है, ठीक है, तो छत्रपति साहू जी महाराज नगर है, छत्रपति साहू जी महाराज नगर है। उत्तर प्रदेश के मंत्री परिषद का मुखिया कौन कहलाता है, तो वो मुख्यमंत्री कहलाता है, उत्तर प्रदेश के मंत्री परिषद का मुखिया, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे यूपी से रिलेटेड थे, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, ठीक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर